बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में मेरे साथ मेरे क्लाइंट जो कि यूनाइटेड स्टेट डेलेस से आए हुए थे, कल नहीं परसों, दो दिन पहले ट्रांसप्लांट के लिए आए थे। तो कल इसकी सर्जरी हुई है और इसकी हमने चाइनीज मेथड सीख किया हुआ है। तो माशाल्लाह इसको बहुत ज़्यादा नॉलेज है हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में। इसने क्वेश्चन लिखे हैं तो मैंने कहा इसे आपके क्वेश्चन पर वीडियो बना लेते हैं, दूसरों को भी फ़ायदा हो जाएगा। तो अनिक का आसिम का मैं आप लोगों को डोनर दिखाता हूँ। ये कल हो चुका है और 0.7 मिलीमीटर पंच है इसका, हमने एक्सट्रैक्शन किया है। और इसके जो पंचिंग हुई थी वो 6800 थी ना जी, 6800 पंचिंग हुई थी। तो यानी ये 6800 ग्राफ्ट है, लेकिन चलो इसको 6800 इसलिए नहीं कंसिडर करेंगे के पंचिंग के दौरान कुछ परसेंटेज ट्रांजेक्शन हो सकते हैं या शायद ऐसे ग्राफ्ट हो जो हमने पंच किया और वो निकला ना हो। तो ये तकरीबन 6000 हम कंसीडर कर लेते हैं, यानी एक नॉर्मल साइज का अगर सर है तो 6000 चाइनीज मेथड में यहाँ तक कवरेज देते हैं। 5000 होता तो इतना दे देता, ये 7000 होते तो इसका फुल कवर हो जाता है, पीछे दो उंगली इसका बाकी जो आप लोगों को नज़र नहीं आते। ये चाइनीज मेथड के ग्राफ्ट अगर आप लोग देख ले बहुत पतले पतले होते हैं, पेन की डार्ट की तरह नज़र आते हैं। इसके दरमियान स्किन विजिबल होनी चाहिए ताकि इसकी ब्लड सप्लाई मेंटेन रहे, जो डोनर साइड की हीलिंग है उसमें स्कारिंग कम होती है। और बकाया जो इसकी क्वेश्चन है ट्रांसप्लांट रिलेटेड वो हम डिस्कस कर, इसने पूछना है मैं आंसर करूँगा। जी आसिम, जो जैसे सबसे मेन क्वेश्चन था, क्योंकि जब मेरे हेयर फॉल स्टार्ट हुए मैंने डॉक्टर को दिखाया अमेरिका में, उसने नंबर वन रीज़न बताया कि क्लोरीन अफेक्ट करता है। तो अगर आप कोई बाहर मुल्क में है जब क्लोरीन वाटर होता है तो ठंडा क्लाइमेट होता है जिसकी वजह से डैंड्रफ ग्रोथ होती है, क्या वो अफेक्ट करता है हेयर फॉल? बिल्कुल, इस पर कल भी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूँ कि क्लोरीन वाटर या जो जहाँ पे ड्राई एयर होते हैं यानी जो कोल्ड क्लाइमेट होते हैं वहाँ पे चार फैक्टर होते हैं। एक तो एयर वहाँ पे ड्राई होती है, वहाँ पे सन एक्सपोजर कम होते हैं और लोग गर्म टोपियाँ पहनते हैं। और साथ में पांचवा फैक्टर आपने क्लोरीन का ऐड कर दिया। क्लोरीन भी एक केमिकल है, जिन लोगों में एंड्रोजेनिक एलोपेशिया होता है जो प्रोन होते हैं या जिसकी फैमिली हिस्ट्री होती है, वो लोग अगर क्लोरीन वाटर यूज़ करें तो उसकी हेयर फॉल तेज़ हो सकती है। ये ज़रूरी नहीं है, क्लोरीन वाटर नॉर्मल बंदे के बाल नहीं गिराते हैं। जिन लोगों में ये बीमारी है जैसे आप थे तो आपकी एंड्रोजेनिक एलोपेशिया है, तो आप जब अमेरिका चले गए वहाँ पे आपका हेयर फॉल तेज़ हुआ होगा उस वाटर के इस्तेमाल से और आप जल्दी गंजे हो गए होंगे। उसकी कंपेरिजन में अगर आप पेशावर आते और यहाँ पर नॉर्मल वाटर से नहीं आते तो कम अज़ कम अभी तक सारे गंजे नहीं होते, थोड़ा बहुत बचा तो होता। यानी मैं वो वाटर का आपको बता रहा हूँ कि यानी वाटर का उसमें रोल है, लेकिन वाटर के साथ साथ वहाँ पे चूंकि कोल्ड क्लाइमेट होता है तो वहाँ पे ये और भी फैक्टर होते हैं, ड्राई एयर की गर्म पानी से नहाते टोपी पहनते और सन एक्सपोजर कम होते हैं तो जिसकी वजह से डैंड्रफ हो जाती है। तो ये डैंड्रफ और क्लोरीन वाटर दोनों बालों के जो हेयर फॉल है उसको तेज कर देता है। सही। और दूसरा सवाल कि जो मेरे जहन में था सर्जरी से पहले कि अभी तो मेरी नहीं हुई पर प्रधान खास अगर किसी की स्वेलिंग हो जाए सर्जरी के दौरान, बिल्कुल ये अच्छा क्वेश्चन है। ट्रांसप्लांट के बाद 2% लोगों को स्वेलिंग आती है, मेरे क्लिनिक पे भी आती है मरीजों को, ये का मतलब नहीं है कि मैं दिखाता नहीं तो नहीं होती है। तो ट्रांसप्लांट के बाद अगर आप लोग आप देख ले आज के दिन आपके ऊपर स्वेलिंग है, कल हमने बहुत सारे इंजेक्शन लगाए थे, तो यही इंजेक्शन हमारे बॉडी की जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो उसको ड्रेन करते हैं। तो कुछ लोगों का लिम्फेटिक इतना स्ट्रांग नहीं होता है तो यही इंजेक्शन यहाँ पे ड्रेन होके इधर आ जाती है। आज आपकी स्वेलिंग इधर है, कल इधर होगा, कल यहाँ तक आ जाएगा। चौथे दिन अगर अंकों पे आती है तो जिन लोगों को आती है तो चौथे दिन आती है, तो वो कोई बोधर सामा होती है, जाहिर है अंक के सूज जाती है, उसके लिए परेशान नहीं होना है। वो ऑटोमेटिकली 3 दिन में ठीक हो जाती है, यानी पहले दिन ज़्यादा होंगे, दूसरे दिन कम, तीसरे दिन ठीक होते हैं। उसके लिए ना कोई एक्स्ट्रा मेजर की ज़रूरत है ना कोई एक्स्ट्रा मेडिकेशन की। हाँ, बुरे लगते तो बेहतर ये होता है कि बंदा घर पे रेस्ट कर ले, रेस्ट नहीं कर सकते हो तो ब्लैक ग्लासेस यूज़ करें। और अगर डोनर साइड में ख़ारिश हो, पेन हो या पिंपल्स आ जाए उसकी, बिल्कुल डोनर साइड में ट्रांसप्लांट के बाद खारिश तकरीबन हर मरीज को होती है, क्योंकि ये बॉडी का जो अपना सिस्टम है जहाँ पे हीलिंग होती है, लेट से यहाँ पे कट लग गया और ये जब ठीक होता है तो वहाँ पे खारिश हो सकती है। यहाँ पे अभी 1-2 हफ्ते के बाद यहाँ पे जब हीलिंग कंप्लीट हो जाए तो बालों की ग्रोथ शुरू हो जाती है, तो उस दौरान इसमें दाने भी आ सकते हैं।
रेडनेस इसमें नॉर्मल होती है और दर्द का मैं डिटेल जवाब देता हूँ। तो लेट से रेडनेस है तो नॉर्मल है, कुछ ना करे। दाने आ गए, दाने के लिए हमने फाइल में भी लिखा है कि अगर सर के किसी भी हिस्से में दाने आए तो वहाँ पे फ्यूडिकेज क्रीम लगाए वो ठीक हो जाते हैं। उसके साथ भी ठीक ना हो तो हम एंटीबायोटिक साथ ऐड कर देते हैं, विप्रोमाइसिन के एक रोजाना ले लो 100 मिलीग्राम, 5 दिन में उसके साथ ठीक हो जाती है। कोई बड़ा दाना बन जाए तो उसको प्रेस करके पस निकाल दे फिर फ्यूडिकेज लगा दे, वो 2-3 दिन में ठीक हो जाती है। खारिश एक नॉर्मल फिनामिना है, वो होगा, वो तकरीबन 80% लोगों को होता है, लेकिन वो इतना खारिश नहीं होता है कि तंग करते। उसके लिए फिर मैं मरीज को बोलता हूँ इस पर मसाज शुरू कर दे, थोड़ी सी हीलिंग हो जाए। इनिशियल 5 दिन में तो आप पोलीफेक्स लगाते हो, पोलीफेक्स क्रीम भी नंबिंग कर दे तो उसके साथ खारिश नहीं होती है। डोनर साइड में दर्द नहीं होता है, लेकिन जब होता है तो बहुत होता है। साल में मेरे 2 मरीज या 3 मरीज कंप्लेन करते हैं कि सर मुझे डोनर साइड में शदीद किस्म का दर्द है, वो न्यूरोजेनिक पेन होता है। इस साल यानी रिसेंटली मेरा एक मरीज है जेलम से, जेवलर था, उसको बहुत शदीद, हालांकि उसका चाइनीज मेथड किया था, 0.7 पंच यूज़ किया था, और उसको बहुत शदीद दर्द हुआ। मेरे को जो जो ड्रग्स मालूम है सारे उसको एडवाइस किए, लेकिन उसके बावजूद भी उसको दर्द था। तो अभी 1 हफ्ता हुआ उसने कॉन्टेक्ट नहीं किया, मेरे ख्याल में ठीक हुआ होगा और अल्लाह करे ठीक हुआ। ये नहीं कि परमानेंट होते, लेकिन ये हीलिंग फेज में हो सकता है। तो जिन लोगों को डोनर साइड में दर्द हो तो उसको मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि उस पर फर्स्ट इनिशियल स्टेप ये कि आप एलोवेरा जेल फ्रिज में रख के ठंडा करके सुबह शाम लगाएं, उसके साथ भी सूदिंग ना हो जाए तो उसके बाद आपने ओरिन इंजेक्शन, अगर आप पाकिस्तान में हो तो इजीली अवेलेबल है, कि 3 रात यानी वो पेन रात को आपको नींद से जगाता है, दिन को नहीं होते। और कुछ लोग तो मेरे 10-15 मरीज ऐसे कि वो तो दर्द की गोली भी नहीं लेते, ये लेना चाहिए अगर दर्द ना भी हो, क्योंकि जब ब्रूफिन देते हैं, ब्रूफिन सिर्फ पेन किलर नहीं है, वो स्वेलिंग को भी कम करते हैं, वो एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, लास्ट क्वेश्चन ये है कि कोई बंदा ऐसे बाहर काम करता है या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करता है, तो ट्रांसप्लांट के कितने दिन बाद उसको सनलाइट में जाना चाहिए या ऐसी एक्टिविटी के लिए जिसमें वजन उठाना हो या पसीना आए? बिल्कुल, लोग एक्सरसाइज के बारे में इसलिए डरते हैं कि पसीना ना आए। पसीना है, आज के दिन भी आए, पसीना अच्छी चीज़ है, वो इसको साफ करते हैं और भी आपके पोर ओपन हो जाते हैं। पसीना अगर आप लोग टेस्ट करें तो साल्टी है, वो एंटीसेप्टिक है, जरासीम को भी मारता है, उसका कोई इशू नहीं है। धूप में आज भी आप जा सकते हो, धूप से गुजर सकते हो, लेकिन 10 डेज तक मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि धूप में ज़्यादा देर यहाँ इसको नहीं रखना है, हीटअप नहीं करना है। बाकी नॉर्मली आप इसमें से गुजर सकते हो, बैठ सकते हो। 2 हफ्ते जब गुजर जाए, जब आप फाइनल वॉश कर ले, फिर उसके बाद आप नॉर्मली धूप में बैठ भी सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, एक्सरसाइज जिम वगैरह भी शुरू कर सकते हो। लेकिन 2 हफ्ते पे मैंने हमारे एक ये सोशल मीडिया का बंदा है ताहिर खान, उसने 2 वीक्स पे एक्सरसाइज शुरू किया था तो उसके डोनर साइड से थोड़ी ब्लीडिंग हुई थी, उसने तुर्की से कराया था। तो मैं आजकल मरीजों को कहता हूँ कि हैवी लिफ्टिंग या हैवी एक्सरसाइज जिसमें ज़्यादा प्रेशर पड़े वो आप 2-3 हफ्ते तक ना करें, फिर उसके बाद बिल्कुल नॉर्मल शुरू कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेस और पुअर डाइट, मैंने सुना कि ये बहुत बड़ा फैक्टर है हेयर फॉल के लिए। स्ट्रेस से तो मैं कहता हूँ अगर बाल गिरते तो मैं अभी गंजा होता, क्योंकि मैं आप खुद सोचे कि एक बंदा अमेरिका से और वो भी कराची का, फिर कराची से भाई यार मेरे पास आता है, तो आपकी तरह रोज मेरे पास 50-60 मरीज आते, तो इसको मैनेज करना है, सबको खुश रखना, आपका क्या ख्याल है मुझ पर स्ट्रेस होगा या नहीं? तो मेरा तो ये कॉन्सेप्ट है स्ट्रेस से बाल नहीं गिरते। हाँ, जिस बंदे में एंड्रोजेनिक एलोपेशिया है, जिस तरह आप में है थी ये बीमारी, फिर ऐसे लोगों पे स्ट्रेस जब आ जाए तो उसके बाल ज़्यादा गिरते हैं। स्ट्रेस सिर्फ ये नहीं कि आपको टेंशन है, ये भी स्ट्रेस है कि आप क्लोरीन वाटर यूज़ कर रहे थे, ये भी बॉडी पर स्ट्रेस है। और या डेंड्रफ आ जाए तो ये भी आपके हेयर्स पे स्ट्रेस आ गया, तो इन चीज़ों से बाल ज़्यादा गिर सकते। बाकी नॉर्मल स्ट्रेस से जिसमें ये बीमारी ना हो तो ये बाल नहीं गिर सकते। पुअर डाइट, आप खुद सोचिए, ये बाल जो है ना जिस्म का हिस्सा है, प्रोटीन से बने हुए, लेट से अभी आप डाइटिंग करते हो तो आपकी बॉडी वॉल्यूम कम हो जाए, तो जितना है इधर कम होगा तो ये बाल भी प्रोटीन है ना, तो ये भी कम होंगे, तो पुअर डाइट के साथ आपके बाल गिर सकते, ख़राब हो सकते। लेकिन इस तरह कोई गंजा नहीं होता है कि पर इधर से गंजा होगा, वो फिर जनरलाइज ट्रेनिंग हो जाती है, वो उसको माल न्यूट्रिशन बोलते हैं पुअर डाइट वाले को। पिछाव कैसा लगा अभी हमारे साथ एक्सपीरियंस थोड़ा बता दें? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कराची, पहले अमेरिका से कराची आया, फिर यहाँ आया। एक तो कराची के मुकाबले पेशावर काफ़ी ठंडा था, तो ये अच्छा लगा। दूसरा ये, मैं जब जाने का आया, डॉक्टर साहब ने, उनके स्टाफ ने बहुत अच्छी मेहमान नवाजी की, खाना खिलाया, चाय पिलाई, मेक श्योर किया मैं कंफर्टेबल हूँ, इवन मेरी अकोमोडेशन में मेरी हेल्प की। और उसके बाद पहले दिन
इन्होंने प्रिपेयर किया, दूसरे दिन मेरी सर्जरी की और आज इन्होंने मेरी वॉशिंग की है। ये आप लोगों का हक है मेरे पास, ये तो ट्रांसप्लांट की बात है, सर्जरी के लिए आते हो, कभी ऐसे भी आ जाओ अब मेरे पास के मैं सिर्फ मिलने आया हूँ तो हम इससे डबल आपको ट्रीट करेंगे। ये आप लोगों का हक बनता है, आप लोग मेरे मेहमान होते हो। मरीज़ तो बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह, पैसे भी बहुत कमा लिए, मुझे उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये नाम मेंटेन करना कि जितना नाम कमा लिया तो अब इसको मेंटेन करना भी है, तो उसके लिए मुझे ज़रूर करना पड़ेगा कि आप लोग यहाँ पे आए, मैं हर किस्म के आपको फैसिलिटेट करो, तो ये करना पड़ता है और ये सबको करना चाहिए। और ये तो हमारा कल्चर है पेशावर वालों का, इधर बाहर भी लोग बहुत ख्याल करते हैं अगर आप बोले मैं कराची से आया। चलो बहुत मज़ा आया, आसिम ने क्वेश्चन बहुत मज़े के लिखे थे तो तभी मैंने इसके साथ वीडियो बना ली ताकि आप लोगों को भी फ़ायदा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।